सो हेलो गाइस, व्हाट्सएप को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पर वीडियोस बन रहे हैं और दोस्तों काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हो रहा है व्हाट्सएप। जी हाँ, फेसबुक की पेरेंट व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी फेसबुक ने एक ट्वीट किया है और जहाँ पर उसने बताया है कि भाई अभी हम 8 फरवरी से एक नया नियम ला रहे हैं, टर्म कंडीशन ला रहे हैं, कुछ कुछ के मोबाइल में अपडेट आ चुका है और वहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे, एक एग्री का एक नॉट नाउ का। अभी अगर आपने नॉट नाउ कर दिया तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 8 फरवरी उसकी एक लास्ट डेट है, अगर आपने उस तक यस नहीं किया तो आपको करना पड़ेगा व्हाट्सएप बंद। तो दोस्तों क्यों बंद करना पड़ेगा, क्या है टर्म कंडीशन, इसमें आपको फ़ायदा होगा या नुकसान होगा या आपके डेटा का मिसयूज़ किया जाएगा। सो दोस्तों जानने के लिए देखते रहिए पूरा वीडियो, मैं आपको इस फुल वीडियो में एक्सप्लेन करके बताऊँगा क्या है टर्म कंडीशन, मानने से आपको फ़ायदा होगा या होगा नुकसान, और दोस्तों ये सही है या गलत है, और दोस्तों व्हाट्सएप के अलावा आपके पास ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो आप यूज़ करके बड़ी आसानी से काम कर सकते हैं। सो दोस्तों जाने के लिए देखते हैं पूरा वीडियो, मेरा नाम है सवाद खान, आप देख रहे हैं जी टेक्निकल। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि व्हाट्सएप हो या फेसबुक हो या फिर कोई भी सोशल मीडिया, जो भी आपको फ्री में कुछ देता है तो समझ जाइए फ्री में कोई कुछ नहीं देता। अगर वो आपको कुछ फ्री में दे रहा है तो प्रोडक्ट समझिए आप हैं, आप पे टारगेट हो रहा है। जी हाँ, अभी तक आप फेसबुक सॉरी व्हाट्सएप को चलाते आए हैं तो दोस्तों फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको उसको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी कि आगे भी नहीं देना पड़ सकता ये मैं नहीं कह सकता, लेकिन अभी तक तो आपको इसका पैसा नहीं दिया है। सो दोस्तों फेसबुक मैंने इसको क्यों ख़रीदा इतने पैसे में, वो भी लॉस में गया है, सो उसने कुछ सोच कर ही तो ख़रीदा होगा। सो दोस्तों फेसबुक या व्हाट्सअप या कोई भी सोशल मीडिया हो, फ्री में आपको कुछ नहीं देती, कुछ ना कुछ आपसे लेती है। जी हाँ, तो इधर पे टर्म कंडीशन की बात आ जाती है, तो टर्म कंडीशन में साफ साफ लिखा हुआ है कि हम आपका डेटा यूज़ करेंगे फेसबुक के लिए। जी हाँ, आपको फेसबुक पर डाटा भेजा जाएगा। सो दोस्तों क्या डेटा भेजा जाएगा, यहाँ पर बात करते हैं कौन कौन सा डेटा यूज़ करेगा व्हाट्सअप। नंबर 1 पे आपका फ़ोन नंबर, और दोस्तों नंबर 2 आपके जिस फ़ोन नंबर में जिस मोबाइल में जितने भी कॉन्टैक्ट हैं आपके सारे कॉन्टैक्ट को वो डिटेक्ट करेगा, और दोस्तों आप कौन सा स्टेटस डाल रहे हैं, किस तरीके का स्टेटस डाल रहे हैं, इस पर भी नज़र रखेगा व्हाट्सअप। और आपकी बैंक अकाउंट यानी कि जो आप पे यूज़ करेंगे, जैसे कि व्हाट्सअप पे जो आया है फीचर्स उसको यूज़ करेंगे, जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे उसकी आप वो यहाँ पर कॉपी बना लेगा, आपके पूरे नाम का पूरी लिस्ट बना लेगा, जो भी आप ट्रांजेक्शन करते हैं, जो भी आप एक्टिविटी करते हैं वहाँ पर उसको पूरा पता रहेगा कि आप किस तरीके के हों, कितना अमाउंट पे करते हो या कितना अमाउंट आपके पास आता है, आपकी कंडीशन क्या है, और UPI के थ्रू आप कितना पेमेंट करते हो, कितना पेमेंट लेते हो, आपकी फाइनेंस कंडीशन क्या है, और आप कितने अमाउंट तक दे सकते हो, कितने अमाउंट तक ले सकते हो, आपका टोटल डेटा यहाँ पर सेव होने वाला है। और यहाँ पर आप क्या क्या खरीदते हो और क्या क्या आपको लेना पसंद है तो उसकी भी जानकारी यहाँ पर कलेक्ट की जाएगी, और आपकी फाइनेंस कंडीशन क्या है ये टोटल आपको जब आप जो भी ट्रांजेक्शन करेंगे, जो भी एक्टिविटी करेंगे उसको सारा मिला के क्रेडिट रिकॉर्ड बना लेगा। सो दोस्तों आप किसको ज़्यादा मैसेज भेजते हैं, किसको कम मैसेज भेजते हैं, किससे ज़्यादा बात करते हैं, किससे कम बात करते हैं, नाम टू नाम बिना इनक्रिप्टेड के, यानी कि आपके मैसेज नहीं पढ़े जाएंगे, बस आपको इतना पता चलेगा उनको कि आप किससे ज़्यादा अट्रैक्टिव हैं, यानी कि किससे ज़्यादा बात करते हैं, या फिर किस ग्रुप में आपका इंटरेस्ट है, किस टाइप की चीज़ें आप देखते हैं, किस टाइप की शॉपिंग आप करते हैं। और यहाँ पर आपको व्हाट्सअप बिजनेस का रिकॉर्ड भी वो यहाँ पर पता करेगा कि व्हाट्सअप बिजनेस से आप कितने लोगों तक पहुँच रहे हैं और क्या क्या रिकॉर्ड है आपका, कहाँ से आपने शॉपिंग की है, दोस्तों कुछ इस तरीके का डेटा यहाँ पर कलेक्ट करेगा। लेकिन कुछ लोग कहेंगे कि भाई हमारा इतना ही डेटा है, हमारा बिल्कुल मतलब साफ है, हम कुछ गलत काम करते ही नहीं हैं, तो हमारा डेटा कर क्या लेगा व्हाट्सअप। सो दोस्तों यहाँ पर इससे बात नहीं बनती, ये डेटा लेने के लिए काफ़ी लोग बैठे हुए हैं, इंडिया में नहीं वर्ल्ड में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं कि आप कौन सी एक्टिविटी करते हो और आपका एग्जैक्ट काम क्या है, यानी कि आप कितना तक खर्च कर सकते हो, क्या क्या चीज़ लेते हो, क्या चीज़ नहीं लेते, यानी कि आपकी एक्टिविटी पूरी पर नज़र रखी जाती है और इस डेटा का बहुत बड़ा अमाउंट मिलता है। जी हाँ, तो फिलहाल तो ये अभी फेसबुक पर जा रही है, तो दोस्तों फेसबुक पर एड्स वहाँ पर दिखाई जाती हैं, तो इसी के मुताबिक वहाँ पर आपको एड्स दिखाई जाएंगी जिससे कि उनकी सेल बढ़ेगी। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, व्हाट्सअप कहीं से भी पैसा नहीं कमाता, व्हाट्सअप आप देखते होंगे आपसे कोई पेमेंट नहीं लेता, ना ही उस पर एड्स आती हैं। जी हाँ, सोशल मीडिया पर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है एड्स से पैसे कमाना, लेकिन दोस्तों यहाँ पर व्हाट्सअप आपसे पैसे नहीं कमा रहा एड्स दिखाकर, लेकिन उसने ये साफ साफ नहीं किया है कि हम कब तक एड्स दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे, ये क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल तो एड्स नहीं दिखा रहा है।
सो दोस्तों इसके चलते वहाँ पर सिर्फ आपका डेटा यूज़ करेगा। सो दोस्तों फिलहाल अगर आप अपने मोबाइल में देखेंगे तो ऐसे काफ़ी ज़्यादा ऐप्स आप भरे पड़े हैं जहाँ पर आपने टर्म कंडीशन को नहीं पढ़ा और एक्सेप्ट कर दिया, ये आपके फ़ायदे में है या नहीं है। सो दोस्तों सीधी बात मैं आपको करूँ तो डेटा आप कहीं से भी या फिर व्हाट्सअप फेसबुक कुछ भी यूज़ ना करें फिर भी आपका डेटा जाएगा। जी हाँ, गूगल तो आप हमेशा के लिए यूज़ करते ही होंगे, वहाँ पे कुछ ना कुछ तो सर्च करते ही होंगे। जैसे कि आपने किया कि मुझको लेना है MI का Y2 मोबाइल या फिर कोई भी मोबाइल लेना है, आप एक बार सर्च कर दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। फिर आइए आप इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर या फिर यूट्यूब पर, आपको सभी सोशल मीडिया पर एड्स देखने शुरू हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन अभी तक आपको यहाँ पर ऐड देखना नहीं हो रहा है। सो इसी को लेकर वो डाटा सीधा सीधा उठा रहा है आपका और यहाँ पर फेसबुक पर ट्रांसफ़र कर रहा है। जहाँ पर ट्रांसफ़र फेसबुक पर हो रहा है और आप जो जहाँ पर आपका व्हाट्सअप चल फेसबुक चल रहा है, सो दोस्तों वहाँ पर आपको एड्स दिखाई दी जाएंगी। सो दोस्तों अभी फ़िलहाल तो व्हाट्सअप पर एड्स नहीं दिखाई जा रही हैं। सो इसका डाटा उठाकर सीधा आपको फेसबुक में प्लस कर दिया जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर आपको कौन सा डाटा उठाया जाएगा, सबसे पहले आपका मोबाइल का मॉडल क्या है, उसका IP एड्रेस क्या है और साथ ही साथ बैटरी लेवल क्या है, आप किस टाइप का यूज़ करते हैं और दोस्तों आप किस किस से चैट करते हैं, आपके कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। लेकिन यहाँ पर एक बात बता दूँ कि इनक्रिप्टेड जो ऑप्शन अभी आया था, सो दोस्तों वहाँ पर आपको एक प्लस पॉइंट मिलने वाला है। सो दोस्तों वहाँ पर आप जो भी मैसेज करते हैं अगर सामने वाले ने उसको रिसीव कर लिया, सो दोस्तों वो वहीं पर डिलीट हो जाएगा डेटा, यानी कि व्हाट्सएप के सर्वर में वहाँ पर इनक्रिप्टेड में सेव नहीं होगा। और दोस्तों अगर उसने रिसीव नहीं किया सामने वाले बंदे ने, सो दोस्तों 30 दिन के बाद ऑटोमेटिकली वो डिलीट हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ पर इस टाइप की प्राइवेसी आपको मिलेगी। सो दोस्तों यहाँ पर साफ साफ किया है उसके CEO ने कि हम आपकी प्राइवेसी को कोई छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं, बाकी आपका कोई भी डेटा को हम देख नहीं सकते, यानी कि इनक्रिप्टेड जो लिखा आता है व्हाट्सएप में जब आप चैट करते हैं वहाँ पर इनक्रिप्टेड लिखा आता है। इसका मतलब ये है कि सामने वाला कोई मैसेज भेजेगा आपको, सो दोस्तों आपके और उसके बीच में ही बात होगी। अगर वहाँ से मैसेज निकल गया है, आपने रिसीव कर लिया है, तो दोस्तों वहाँ पर सर्वर पर डिलीट हो जाएगा। अगर आपने रिसीव नहीं किया तो 30 दिन के अंदर ऑटोमेटिक वो डिलीट हो जाएगा, कुछ इस तरीके का टर्म कंडीशन। सो दोस्तों आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों आप तो व्हाट्सअप ही नहीं काफ़ी ज़्यादा ऐसे ऐप्स यूज़ करते हैं, आप टर्म कंडीशन को क्यों पढ़ेंगे। सो दोस्तों सभी लोग एग्री करके, 99% लोग उसको पढ़ते नहीं हैं और एग्री करके चले जाते हैं। तो दोस्तों इससे कोई दिक्कत नहीं है मेरे हिसाब से, क्योंकि दोस्तों आपका डेटा हमेशा जब भी आप मोबाइल में कोई भी चीज़ चलाओ या ना चलाओ, लेकिन आपका डेटा तो लीक हो ही जाता है। जी हाँ, अभी 100% तक ऐसा कोई भी ऐप नहीं आया जो आपको 100% गारंटी दे कि भाई हम आपका डेटा नहीं उठा रहे हैं। सो दोस्तों ये एक्सपेरिमेंट करने से पहले आप गूगल पर जाइए, कुछ भी सर्च कीजिए, आपको ये ऐड ना देखें तो आकर मुझे इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। सो दोस्तों व्हाट्सअप को लेकर ये सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। सो दोस्तों आपको कुछ नहीं एग्री कर देना है या फिर आपकी जो मर्जी हो आप वो कर सकते हैं। आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। इसी तरीके के नॉलेज वीडियो पाने के लिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।